देखिए दोस्तों, हम ये 3DX+4 BS4 मशीन पे आए थे। इसका स्टेबलाइजर का रैम जो है लीकेज हो गया था दोस्तों, देख सकते हैं ये। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होने के कारण ये ख़राब हो गया था दोस्तों, और ये लॉक हो गया था। लॉक होने के कारण इसके अंदर का हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज मार रहा था दोस्तों। हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज होने का कारण यही है कि दोस्तों, इसको उसके अंदर डस्ट वगैरह चल जाएगा या कुछ भी चले जाएगा, मिट्टी मुरूम, तो उसके कारण है ना वो ऑपरेट होना थोड़ा दिक्कत देता है ऑपरेट होने में। वैसा वैसा करके उसके अंदर ये देख सकते हैं, ये देखिए कैसा कंडीशन हो गया ये पूरा। ये पूरा मिट्टी चले गया दोस्तों, देख सकते हैं ये। इसके अंदर मिट्टी जाने के कारण ये ऐसा हो जाता है, पूरा नया सील डालने पड़ रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल ही मशीन थोड़ा सा नया है ये, फिर भी ये काम निकल गया दोस्तों। मेंटेनेंस करेंगे रोज़ तो होगा आपका, नहीं तो फिर ऐसा काम निकलता है। ये प्राइस है 6900, 6371 पार्ट नंबर 400/0092। और ये इसके अंदर ये नए सील डालने पड़ते हैं दोस्तों। ये हमारा डस्ट का सील है, ये कैप, ये दो डस्ट के सील हो गए हमारे। ये स्कोरिंग का एक है, ये भी स्कोरिंग का है दोस्तों। ये मेन सील है हमारे, ये दो मेन सील हो गए। उसके बाद ये ऑयल लीकेज का जो रहता है यहाँ पे दो, ये ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए इसके लिए रहते ये दो सील यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाइट, ये वाइट और ब्राउन ऐसा, ये दो ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए इसके लिए रहता है। उसके बाद ये पिस्टन हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा हिडन कवर, ये हिडन कवर का सील हो गया। उसके बाद ये पिस्टन है अंदर का, ये पिस्टन के दो सील देख सकते हैं, ये वाइट और ब्लैक, ये वाइट और ब्लैक यहाँ पे फिट होता है देख सकते हैं। ये इसके अंदर ऐसा लग जाते हैं दो, ये दो और दो चार, ये दो और ये तीन, ये स्कोरिंग वाले और ये डस्ट सील। और ये मेन सील है दोस्तों, ये भी ऑयल ब्लॉकेज के लिए रहता है देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर फिट होता है दोस्तों, ठीक है। ये होगा हमारा इन्फॉर्मेशन, ये हिडन कवर, पिस्टन, टोटल सील इसके अंदर आता है। इसको बोलते हैं देख सकते हैं ओरिंग, चार ओरिंग रहते हैं, दो बैकअप रिंग रहते हैं, एक पिस्टन सील रहती है, एक रॉड सील बोलते हैं, एक पिस्टन बियरिंग बोलते हैं दो, और वाइपर मेटल स्क्रैपर, उसको मेटल स्क्रैपर बोलते हैं। स्क्रैपर कप एक अलग से रहता है, ये स्क्रैपर कप है, ये मेटल स्क्रैपर है, वही उसको डस्ट सील बोलते हैं दोस्तों। ये ट्यूब है, वो रॉड है हमारा दोस्तों। याद रहे इसके बाद, मतलब आपको मेंटेनेंस अच्छा रखना होगा तो आपको इसके अंदर मिट्टी या कुछ भी जाना नहीं देना चाहिए, और इसको हर रोज़ क्लीन करना चाहिए, रोज़ मिट्टी पानी से क्लीन करना चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।